नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं हमारा आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल। आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। हम आपको बता दें कि ये जो मानदेय से रिलेटेड खबर निकल कर आई है, ये जो है कि जौनपुर जिला से एक खबर निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने भाषण में बताया गया था कि मानदेय में वृद्धि किया जाएगा। उसके 2-4 दिन बाद जो है कि घोषणा पत्र देकर जो है कि बताया गया कि इसको प्रोत्साहन राशि के रूप में बदल दिया गया है। 100% पोषाहार वितरण करने पर ये जो है कि प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इस तरह से इसको बदल दिया गया मानदेय को। तो इसी के संबंध में आंगनबाड़ी बहनों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि मानदेय से पोषण ट्रैकर ऐप को नहीं जोड़ा जाए की मांग कर रही हैं आंगनबाड़ी बहनों द्वारा। उसके संबंध में जो है कि डीएम को ज्ञापन पत्र वगैरह सौंपी गई है। उसके संबंध में ये खबर निकल कर आ रही है ये जौनपुर जिला से। तो आइए हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं, इसमें है क्या और क्या किया गया है, किस तरह की मांगे हैं, सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे पूरी डिटेल में। उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आइए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मानदेय से पोषण ट्रैकर ऐप को नहीं जोड़ने की मांग, यानी जो है कि मानदेय से पोषण ट्रैकर ऐप को नहीं जोड़ा जाए, इस तरह की मांगे की जा रही है। बताया जा रहा है नीचे की विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। और भी मांगे हैं, उस चीज़ों को लेकर जो है कि प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐप से जो है कि मानदेय को न जोड़ा जाए। आगे बताया जा रहा है, आइए हम विस्तार से देखते हैं कि महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से शुक्रवार को कलेक्टर परिषद में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मांगों को पूरा करने की आवाज़ उठाई गई। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र डीएम कार्यालय में सौंपा गया। जिला अध्यक्ष सुनीता यादव ने कहा कि वर्ष 2018 में 1500 रुपये मानदेय बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी, लेकिन वर्ष 2021 में उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में बदल दिया गया। जैसे कि 2018 में जो है 1500 रुपये मानदेय बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन अब 2021 में इसे प्रोत्साहन राशि के रूप में बदल दिया गया। वहीं हम लोगों को हमारे विभागीय कार्यों के अलावा अन्य कार्यों को भी कराया जाता है, लेकिन अब मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में मानदेय देने की घोषणा करती है। बढ़ाई गई राशि को सरकार को मानदेय के रूप में देना चाहिए। इतना ही नहीं, पोषण ट्रैकर ऐप लागू होने से कार्य करना भी जटिल हो गया है। लाभार्थी को ओटीपी व्यवस्था से फीडिंग का कार्य करना कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन राशि को पूरी तरह से मानदेय में बदलने, पोषण ट्रैकर ऐप को मानदेय से नहीं जोड़ने और राशन वितरण व्यवस्था सही करने आदि मांगों को लेकर मांगे की जा रही है। धरना प्रदर्शन में महामंत्री सुनीता प्रजापति आदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो इस तरह की इन लोगों की मांगे रही कि जो है कि मानदेय को जो है प्रोत्साहन राशि से हटाकर जो है कि और ऐप से हटाकर जो है अलग किया जाए और राशन वितरण व्यवस्था सही किया जाए, जो इसमें ये समूह की महिलाएं को घुसाया गया है, प्रधान को घुसाया, इस सब को किनारे करके जो है कि सारा काम आंगनबाड़ी से ही कराया जाए, जो है कि जो आंगनबाड़ी का काम है उनको आंगनबाड़ी से ही कराया जाए। तो इस तरह से जो है कि डीएम को पत्रक सौंपा गया है, ऐप निस्तारण करने की मांग की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप